मुझे उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया, पढ़ा लिखा के तूने जीना सिखाया। दे दी मुझको तूने अपनी पहचान, मेरे बाबा कैसे मैं। तो मेरी हमेशा ख्वाहिश होती थी कि मेरे भाइयों की भी, कि हम ना अपने माँ बाप को बहुत प्यार करें और अपनी जो एनर्जी है, अपनी जो ताकत है, जब हम यंग हो रहे थे, जवान हो रहे थे, हम अपनी ताकत को अपने माँ बाप के साथ शेयर करें। मसला यह है कि जो कुछ आपका माँ बाप कर रहे हैं और आप देख रहे हैं यार अब्बा बूढ़ा हो गया, और आप देख रहे हैं यार अब्बे की झुरियां पड़ गया और अब्बा अब रेडी चला नहीं सकता, रक्षा जो है वो किसी जगह जाके खराब हो गया, सारा दिन अब्बा धूप में बैठा रहा। आप देख रहे हैं कि अब्बा जब गाला है उसके खराटों में ना आगे भी है थकावट की, उसके पांव दर्द कर रहे हैं और आप सुन रहे हैं। आप ना दोस्तों की तरह जा सकते हैं उसके पास और आप उसको कह सकते हैं ऐसे पकड़ के, वो जाने लगे तो उसके आजाद, चाहे वो सच्चा है, चाहे वो कही है, चाहे रंबा है, चाहे देसी है, चाहे खांडी है, क्या हो जो आप कहे अब्बा बस जितना काम तूने करना था वो कितने लोगों का अच्छा लगा। सच बताए ठीक मैंने बात की है, बस कर अब हमसे देखा ही नहीं जाता तुम्हारा पसीना। मैं आपको बताऊं यमुना बाद में ना समटाइम जब मैं चलता हूं तो मैं परेशान हो जाता हूं, इतने प्यारे इतने खूबसूरत नौजवान और बड़े अच्छे लगते हैं, बड़े अच्छे उन्होंने कपड़े पहने होते हैं, तो मैं जब उनकी फैमिली हिस्ट्री देखता हूँ कि इसकी भी बहन फैक्ट्री में काम करती है, इसकी भी बहन फैक्ट्री में काम करती है, इसकी अम्मा किसी के घर में काम करती है, इसका अबू रेड़ी लगाता है, मैं सोचता हूँ यार ये शख्स जो है ना ये मेंटल पैरालाइज है, यह अपाहिज आदमी है जिसकी बहन तो सख्त मेहनत के लिए जा रही है लेकिन ये खुद क्यों नहीं उठ रहा। मैंने बात गलत नहीं कहा, मैं तो आपको यही कहूंगा कि मैं आज आपसे तो कभी अगर आप खुश हैं ना मेरे इतने से मजमून पर, तो मैं एक आप नौजवानों के लिए लड़कियों के लिए नहीं, वो मुझे भी डरा देती है जिसको मैं पूछता हूँ आप कितना पढ़ी हो, मैंने एम फिल किया, दूसरे से पूछा आपने कितना, मैंने मास्टर किया, किसी ने एम बी ए किया, मैं पीछे क्योंकि ये वाला हिस्सा करके तो बहुत ही तरक्की कर रहा। मैं चाहता हूँ हम थोड़ा मैं नौजवानों को एक सेमिनार आ दूँ और थोड़ी अपने दिल की बातें और करूँ, जो जब मैं आपकी तरह होता था तो जिन बातों में मैं मुझे चैलेंज था, क्योंकि आज तब बनती है जब जिस बात में दिलचस्पी आ जाए, नहीं सुनना है फिर सुनकर इरादा करना है फिर वो सारे का सारा करके है नी। देखो मैं ताड़े ना गुलाब छा और दवाऊंगा करके की करना दिखाना, मैंने अपने अब्बा के नाल बहुत प्यार से अम्मी ने भी लेकिन अब्बा के नाल बहुत प्यार से, क्योंकि प्यार क्यों था कि उस हमारे खुदा के साथ साथ ना हमारे अब्बा ने भी हमें गंदगी से निकाला और हमारे हिस्से के जो जख्म थे ना जब हम अपने अब्बा के हाथ दबाते थे ना तो उस हमने पूछना वो चंडिये नहीं होती, यानी काम करके छाले बनने फिर काम करने से वो छाले खस जाए, हमने कहा अब्बा ये क्या हो, तो हमारे सब टाइम अब्बा के आंखों में आंसू आ गए थे, उसने कहा पुत्र मैं तो ना मुसीबतों से कढ़ना चाहता पढ़ जाओ, जो दुख आपने उठाने हैं मैं अपनी जान पे उठाना चाहता, हमें वो बातें भूलती नहीं। मैं एक दफा आपको अपनी वाक्य सुनाऊ कि मेरे अब्बा का ना एक जख्म हो गया टांग पे और वो बहुत स्वेल कर गया इतना ज्यादा कि उसको उससे बहुत बुखार हो गया,
लेकिन हमने क्या देखा अपने खानदान में कि हमारा अब्बा फिर भी काम पे है। मेरे भाई अब थे, हम बहुत छोटे थे, मैं उपाधिशाह, लेकिन मैं आज अपने भाइयों की तारीफ करना चाहता हूँ जो मेरे बड़े भाई। वही दिन था जो आज शायद आप में से बहुत सारे बच्चे जब अपने घर में जाके बिल्कुल यही कह दें कि मेरे बड़े भाई ने और मेरे छोटे भाई ने ना हमारे अब्बा, उसने अपनी बेटियों की शादी करनी है, उसने उस बेटे की भी शादी करनी है, उसने अपने घर को भी चलाना है। तो वो बहुत थका हुआ होने के बावजूद वो फिर काम पे चला जाता है। लेकिन मैं नहीं जानता कि कौन सा नौजवान है जो अपने दिल के अंदर वो छुपी हुई मोहब्बत। मैं आपको एक और बात, हम माँ बाप से दूर क्यों चले जाते हैं और माँ बाप हमें बुरे क्यों लगना शुरू हो जाते हैं और फिर माँ बाप के ऊपर हमें तरस क्यों नहीं आता? ऐसे होता है कभी कभी माँ बाप रो रहा होता है पर हमें तरस नहीं आता। मैं घर में गया, वो बच्चे कहते गया तो रंजी कर दे रहते, मुझे रोना आ गया उनके माँ बाप को देखकर, पर उनके बच्चे तरस नहीं खा रहे थे अपने माँ बाप। एक बेटी उठी कहती पादरी साहब यह रोना इन्होंने नसीबां च लिखा इन्होंने आदत आ। मैं चुप, मैं कहता सर इन्होंने अपने बाप का नहीं तो मेरा कितों आएगा। मैंने एक शॉर्ट प्रेयर की, मैंने कहा इससे पहले कि मैं भी इनसे इंसल्ट करूँ मैं वहाँ से चला। मैंने बड़े बड़े नाफरमान बच्चों को भी मिला हूँ। मैं बहुत सख्त बात उनके लिए कर नहीं सकता लेकिन मुझे उनसे नफरत है। टीट माँ बाप को मुसीबतों में भी डांट देने वाला, पता नहीं कि मेरे मुंह से बातें, मेरा तो ये सब्जेक्ट था ही, लेकिन मुझे नहीं पता कोई एक शख्स ऐसे बैठा हुआ आज जब जाए देखे अब्बा लेटा हुआ है तो जाके आज एक पूरा घंटा अब्बा को दिखाए और उसको कहे मेरी जिंदगी जो गुजर चुकी है, जो कताही हो गई है, मैं माफी भी मांगता हूँ। मैं ना मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी एनर्जी, अपनी ताकत, अपनी जवानी अगर साथ तेरे हथियार नहीं ना पकड़ सकता, तुझे बैठा नहीं ना सकता, लेकिन मैं ये करना चाहता हूँ मैं तुम्हारे काम को थोड़ा बांट लूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब इन डेज में इस साल में आतिश ने चिल्ड्रन चैपल के पूरे काम सब टाइम और रात के 12 बजे भी काम कर, और मैं अपने आप को इतना हल्का फुल्का सा महसूस कर रहा हूँ। मैं कभी कभी आता ही मैं कहा तुम आतिश है वहाँ पे, और बहुत सारे लोग आते हैं वो प्रेयर करवा के जा रहे होते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं उनको पेपर चाहिए होता है, जो पेपर उसकी समझ में आता वो दे देता, जो नहीं आता वो मेरा टाइम बता देता कि मेरे पापा इस वक्त। उसने मेरा इतना काम बांट लिया, मैं इतना मुश्किल के अंदर था, मैं इतना मेरे सख्त, क्योंकि 4000 लोगों को मुझे सर्व करना पड़ता था और मैं इतना थक जाता था, सम टाइम मेरे साथ वाइब्रेट करना शुरू मेरे हाथ। तो मैंने डॉक्टर को दिखाया, कहता तुम्हें रेस्ट की जरूरत है, तुम्हें कोई बीमारी नहीं, मेरा यह हाल हो गया था। लेकिन मैं सोचता हूँ कि आदर्श के मेरे साथ काम बांटने से मेरी जिंदगी के अंदर थोड़ी सी खुशी से आई, मैं थोड़ा सा हल्का फुल्का सा हो गया। और जब आप जितने लोग आज हैं, अगर आप सब लोग अपनी ताकत को अपने माँ बाप के साथ शेयर करेंगे तो आज के दिन कितने माँ बाप खुश हो जाएंगे। होता पता क्या है, माँ बाप को आप प्यार कर सकते हैं, आपके अंदर बिल्कुल ऐसी चीजें मौजूद है, आपके अंदर माँ बाप के लिए मोहब्बत भी मौजूद है, लेकिन होता क्या है, मैंने इस संडे को होता क्या है, मैंने एक तजर्बा किया अपने घर में, खुदा ने मुझे पोती दी है, तो मैं छोटे छोटे तजर्बे करता रहता हूँ, जो मेरी जिंदगी के वाकयात होते हैं वही मेरा सरमन बन जाते हैं, वो मैं आप लोगों से आके कह देता हूँ। उसको ना मोबाइल पकड़ाया 2 माह की बच्ची को ये मोबाइल, तो बच्चे क्यों इसके अंदर चले जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर रोशनी है, क्योंकि वो अपनी दादी को नानी को टेलीफोन तो नहीं बुला सकते ना, छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं में, वो क्यों उसकी तरफ ना, वो उसके साथ आती है मेरी तरफ, यानी वो उसको छोड़ना नहीं सारे मोबाइल को। मुझे पता चल गया कि ये कनेक्टेड हो रही है इसके साथ, और आहिस्ता आहिस्ता ये जो जोड़ है ना
अब तो मैं थोड़ा सा झटका दूंगा, मैं खींच लूंगा, लेकिन एक वक्त तक अगर ये वायरस इसी तरह इसके हाथ में आता जाता रहे तो ये इसका जो पक्का हो जाएगा रिलेशन, है ना। ये जो इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं, जो टैब है, मोबाइल है, हमारे बच्चों के ना वो माँ बाप की जगह इसके साथ कनेक्टेड हो गए। 10 बजे हवा कभी जा डब्बा दूधा खा लिया, तुम पता नहीं मैं सवेरे सवेरे उठ के सबसे पहले क्या करता, डब्बा दूधा खा लिया मैं सुबह सवेरे उठ के सबसे पहले की करता, चाह पीता। तो एक मैं तेन सुबह सुबह ले आ दूंगा, खा दी तो मैनू अभी तो पता होता सारी रात जागना ना बंदा उठेगा, सर्दी और गर्मी सर्दियां रजाई च लगा उसको पता इसलिए नहीं लगा, क्यों? क्योंकि वो माँ बाप के साथ ना उसको मौका नहीं मिला कि वो मिल जाए, कनेक्टेड हो सके, उसका सारा कनेक्शन टूट चुका है। और किसके साथ हो गए? मोबाइल के साथ। इसीलिए किसी भी नौजवान के पास जाए उसको अपने मोबाइल से बेहतर और कोई रिश्ता नहीं बनता, ना माँ का, ना बाप का, ना बहन भाइयों का। इतने बड़े बड़े खानदान और घर हैं तो लोग उस घर में इस तरह चलते हैं जैसे कल्ले कल्ले होते हैं। मैं किसी वक्त किसी घर में जाऊं मुझे ऐसे लगता मैं किसी हॉस्पिटल में आ गया, माँ जी वो आपके कमरे च लगी, एक बच्चा लगा दूजी एक सीढ़ियां से लगा, एक गोहे वड़ा ला पोथे लगा, एक इतनी बीमारी घरानों के अंदर, फैमिलीज के अंदर। मैं नेहल की बात को बढ़ाते हुए आपको बताऊं, कामयाब होना चाहते हैं तो अपने वक्त को जाया ना करें। जब आप अपने वक्त को जाया करते हैं, कई लोग मैंने देखा है कि वो अपने वक्त को जाया करते हैं अपने आवारा दोस्तों के साथ। एक तो पहली बीमारी तो मोबाइल की है और दूसरी बीमारी है आवारा। आप उनको दोस्त बनाए जो दुनिया के कामयाब लोग हैं, जो हमारा नहीं, जिनके अंदर गैरत नहीं है कि मेरी बहन काम कर सकती है मैं क्यों नहीं, मेरी माँ काम कर सकती है मैं क्यों नहीं, मेरा बूढ़ा बाप झाड़ू लगा सकता है मैं क्यों नहीं। वो लोग खुदा मदद को बरकत देते हैं। एक बात याद रखे, खुदा मेहनती का ना कभी अजर रखता नहीं। जरूरी नहीं है हम सब एम फिल कर लें, हम मास्टर कर लें, अगर आपको नहीं मौका मिला ना तो आपको सारी डिग्रियों की बरकत मिल जाएगी अगर आप अपने माँ बाप के साथ अपनी एनर्जी को शेयर करेंगे अपनी ताकत, ताकि आपका फल जीते जी आपके ना माँ बाप तक पहुंचे। मुझे बहुत अच्छा लगता है कलीसिया में कई माओं के आंखों में आंसू होते हैं तो ऐसे मुझे पैसे पकड़ा रही होती है तो एक बात उसके साथ कह रही होती है, कहती है अंकल मैं आपको बताऊं ये मैंने ना मन्नत मानी थी कि मैं अपने बेटे जो पहली सैलरी होगी ना खुदा के घर में मैं उसकी आंखों में वो सारी खुशी देख रहा होता हूँ कि ये औरत सोच रही है कि मैनू हूं किस चीज का डर है मेरा पुत्र कमाना शुरू। बेशक हो सकता है उसके बाप के दिल में भी थोड़ी थोड़ी ऐसी बातें हों कि अब हमें कोई भी हर तरह के हालात में हम कामयाब हो सकते हैं क्योंकि अब हमारा बेटा भी मुसीबत कहाँ पे है। नंबर एक, स्कूल ऐसी गए ने जो गए तो कोई पंजवीं कोई छेवीं कोई सतवीं कोई अठवीं कोई नौवीं कोई मैट्रिक ऑफ हो गया, दीवे बुझ गए। अब अंडर मैट्रिक, अंडर 9, अंडर 8 या सतवीं छठी वड्डा हो गया वेदा वेदा तेन पूछ रहा तेन कितने कारपोरेशन से झाड़ू वाले चलवा दिए, लै मैं झाड़ू मारा फिर उनके तेन डॉक्टर लवा दिए नहीं हस्पताल च जब पढ़ना ही नहीं है, जब पढ़ना ही नहीं तो फिर इसके बाद काम क्या बताएं? यही काम बाकी बचता है,
लेबर इंटा ऊपर लेके जाए, मशीन आ गई, खुदाई करें क्या आ गया, मशीन आ गई, सीमेंट को साला रुलाने के लिए क्या आ गई, उत्ते चढ़ाने सीधा पदरा कर, फिर तो सानू एक ही काम बचता। बड़े बड़े लोगों को मैंने देखा, इतनी मैं कहता हूं कि नॉर्मल पर्सनैलिटी उनकी कि समटाइम मैं भी इग्नोर यार ये की आए पता नहीं क्या आया पे आई कोई नहीं, छोटा जे ना मोबाइल पे मैसेज कर करके मुंह हो जाता। जेडे लोग रात को जागते हैं ना उनको बड़ी अजीब सी बीमारियां लग जाती जो रात को जागते हैं, ये खुदा को पहले ही पता था कि बंदा बीमार हो जाएगा और मर जाएगा इस अगर ये रेस्ट नहीं करेगा, इसलिए उस सेक्शन को इस हिस्से को खुदा ने डार्क कर दिया ताकि नेहरा होए ते टाइम ना लंबे पवे टाइम ना सोए। लेकिन जब हम रात भी नहीं सोते दिन भी नहीं सोते तो हम बड़ी बड़ी बीमारियों का शिकार होता है। खींच के देखने से, क्योंकि जब आप 10 बजे से 11 बजे से आगे जाते हैं आपकी आंखें थक जाती है, आपकी आंखें बंद हो लेकिन आप जबरदस्ती जागने की कोशिश करते हैं। आपकी बात नहीं कर रहा मैं, यूथ की बात कर रहा हूं, आप में से तो बेशुमार बच्चे मेरे स्टूडेंट है भाई, आप में से तो बेशुमार बच्चे मेरे चर्च की कलीसिया के, मैं तो अपने चर्च के साथ बात कर रहा हूं। आप देखेंगे जब के 11 और 12 बजे के बाद लोग अगर मोबाइल को यूज करते हैं तो वो अपनी बड़ी ताकत को साथ इस्तेमाल करेंगे क्योंकि उनकी आंखों में दिख नहीं रहा होता, बंद हो रही होती है लेकिन वो और जागना चाह रहे होते हैं। कितने लोग मुत्तफिक हैं, मैं सारी रात में जागता हूं क्योंकि इनके पास में तजुर्बा है। अगर मैं कहता हूं कितने लोग इसको, तो आप सारे मैं कहता हूं इन्होंने कोई पता नहीं ये तजर्बा हुआ, आप सब जागते होंगे रात को। बहरहाल कैसे भी हो, आपको खुश करने के लिए मैंने आज जो आपको सिखाना चाह रहा था वो ये था कि अपनी जो एनर्जी है जो खुदा ने आपको ताकत दी है, आपके माँ बाप मर जाए तो किस काम की है, किस काम की है? आपकी अम्मा आपकी जिंदगी की वो बरकतें जिस उम्मीद से उसने बड़ा किया देख ही नहीं सकी। आपका अबू जो कहता था मेरी मेरा बाजू बन गया एक, ये तो मेरी ताकत बन गया, उसको नसीब ही नहीं हुई कि आपके हाथ की भी एक रोटी खा ले और वो इस दुनिया से चला गया। मैं ये सोचता हूँ कि अगर कोई ऐसा नौजवान भी अगर है भी यहाँ पे तो उसको जब उसकी जिंदगी में ये हादसा हुआ ना कि उसका अबू चली गई, उसका अबू चला गया, वो बहुत रोएगा, बहुत पछताएगा कि मुझे मौका नहीं मिला, काश मैं कुछ लाता और अपनी अम्मा के हाथ पे रखता, अपने अब्बा के हाथ पे रखता। लेकिन मैं फिर आपको ये बताऊंगा कि शेयर करें अपनी ताकत। मुझे उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया, पढ़ा लिखा के तूने जीना सिखाया, दे दी मुझको तूने अपनी पहचान।